बैतूल जिले के आमला से भाजपा विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे से मंत्री बनवाने के नाम पर 1,25,000 रुपए की डिमांड की गई। कॉल करने वाले ने खुद को भाजपा का पदाधिकारी बताया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से फेक बात करवाई। शक होने पर विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीए से बात की और फिर बैतूल पुलिस से शिकायत की। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के कानपुर में गिरफ्तार किया और बुधवार को बैतूल लेकर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने पंडागरे ही नहीं मंत्री बनाने का लालच देकर कई विधायकों से संपर्क किया है। वहीं गिरफ्तार में आए व्यक्ति ने आरोपों को गलत बताया। उसका कहना है कि मैंने विधायक से पैसे मांगे हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं अपना पक्ष कोर्ट में रखूंगा। अब आगे आप सुनिए कि विधायक जी इस पूरे प्रकरण पर क्या कह रहे हैं। मामला था और किस तरह से आपसे संपर्क किया था? एक किसी व्यक्ति का मेरे पास 3-4 दिन पहले फ़ोन आया था और अपने आप को बीजेपी कार्यालय का कोई पदाधिकारी बता रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करना चाह रहे हैं। सुबह 10-11 बजे के आसपास फ़ोन आया था कि 2 बजे आप फ़ोन के पास रहिएगा और फ़ोन आएगा तो उसको तुरंत अटेंड कीजिएगा, मैं ही आपको कॉल करूँगा, नंबर सेव कर लीजिए। 4 बजे के आसपास फ़ोन आया तो कहे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी के, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने बात की, अब वो मुझे बोलने लगे कि आप 10 तारीख को आके मुझसे मुलाकात कीजिए, अभी हम लोग कुछ आगे का प्लान कर रहे हैं तो आपको आना है और कुछ हमको सहयोग भी करना है। तो आवाज़ से तो समझ में आ रहा था कि फेक कॉल है और समझ में भी आता है कि इस तरह के लोग आजकल अपने सोशल मीडिया का और अपने ऐसे साइबर क्राइम इस तरह से करके दुरुपयोग करते हैं। तो उसी तरह से उसने मुझे भी शायद फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे शक हुआ उसके ऊपर तो मैंने तुरंत वहाँ पे बीजेपी कार्यालय दिल्ली फ़ोन करके उनको भी वस्तु स्थिति से अवगत करवाया कि कोई फेक कॉल आ रहा है और कुछ इस तरह से विधायकों को कुछ प्रलोभन दिए जा रहे हैं और उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। तो वहाँ से भी मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कि इस व्यक्ति पे कार्रवाई करना है, आप वहाँ पे एक FIR करिए। बैतूल में कोई नीरज सिंह नाम का व्यक्ति था तो यहाँ पे मैंने उसकी FIR करी और FIR की कॉपी वहाँ पे दिल्ली भेज दी और कल उसको कानपुर से गिरफ्तार किया गया है और आज उसको यहाँ पर लेके आया है। कितने रुपये की मांग की थी आपसे? मुझसे 1,25,000 रुपये की मांग कर रहा था और आज वहाँ पर जब पुलिस स्टेशन मुझे भी पुलिस वालों के द्वारा बुलाया गया था उसकी शिनाख्त के लिए और कुछ प्रश्न पूछने के लिए, तो मैंने भी उससे पूछा, मैंने कहा कहीं और फ़ोन किया तो पता चला कि उसने लगभग अधिकतर विधायकों को फ़ोन किया है। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह राठौर। कहाँ के रहने वाले? जिला जालौन उत्तर प्रदेश। किस केस में पकड़ के लाए पुलिस? उसका आरोप लगाया गया है कि मैंने एक विधायक से फ़ोन करके पैसे मांगे। हाँ जी, एक विधायक जिससे पैसे मांगने के आरोप। कहाँ के विधायक? आमला विधायक। वो मैं कोर्ट में अपना पक्ष रखूँ। सही है कि गलत है सर? तो तुम्हें क्यों पकड़ के लगा? वो सर कोर्ट में मैं जवाब दूंगा उसका, मेरा वकील के थ्रू कोर्ट में जवाब दूंगा सर। ये तो अभी तक नहीं दिए जवाब? नहीं सर अभी। क्या धमकी दी थी विधायक को? नहीं धमकी नहीं दी सर। वो सर कोर्ट में हम अपना पक्ष रखेंगे, जवाब आइए। कॉल ट्रेस कैसे हुआ? कॉल ट्रेस नंबर के थ्रू हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बाद में किया। उनको नंबर पर धमकी दी? धमकी नहीं दी गई सर। कुछ पैसे मांग करी थी? वो शासन का मिसयूज हो रहा है सर। शासन का मतलब सत्ता में है, सत्ता में होकर उसका मिसयूज। नहीं तो आपको कानपुर सर, बाकी मैं आगे जवाब दूंगा कोर्ट में आके। कानपुर के रहने वाले सर, प्लीज डोंट, आई डोंट गिव एनी बाइक। SDOP शालिनी परस्ते ने बताया कि विधायक ने 4 अगस्त को इस मामले की शिकायत बैतूलगंज पुलिस को की थी। पुलिस ने नंबर की पड़ताल की तो पता चला नंबर कानपुर का है। साइबर की मदद से पुलिस ने लोकेशन जुटाई और एक टीम कानपुर पहुंची। यहां जालौन उत्तर प्रदेश के रहने वाले नीरज सिंह राठौर को पकड़ा। पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर CJM कोर्ट बैतूल में पेश किया, जहाँ से जेल भेजा दिया गया। लोग भी आजकल ठगी करने के क्या क्या नए तरीके निकाल रहे हैं, इसलिए आप भी ध्यान रखें कि आप ऐसे किसी फेक कॉल के चक्कर में ना पड़ें और ठगी के शिकार ना हों। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। आगे इसको लेकर जो भी अपडेट आता है वो आपको खबर विभाग के जरिए पता चली जाएगा, इसलिए मध्य प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी ज़रूर लाइक और शेयर करें।